और प्लस आदत से बन गए सर आपके साथ। मेरे को तो फायदा ये हुआ कि भाई सारे सेक्शंस जो मेरे को याद नहीं थे वो बहुत ज्यादा अच्छे से याद हो गए। सर आप पे बहुत बड़ा आरोप है सर, सर आपको टेस्ट दिसंबर 21 में लेनी थी सर। बेस्ट है सर, कहते आप लोग के किंग हो। इट वाज द मोस्ट ऑथेंटिक वे टू लर्न लॉ। सर आप बहुत मेहनत करते हो सर हमारे पीछे। सर पहले तो यही बोलूंगा कि कॉन्सेप्ट तो सबको ही बताएंगे, बस कॉन्सेप्ट के साथ कैसे आंसर प्रेजेंट करना है तो अर्जुन छाबरा सर बताएंगे। Hello you all beautiful CA Foundation students, I hope each and every one of you is doing absolutely good. Guys, कुछ time पहले मैंने capsule batch launch किया था, जिस capsule batch में मैंने एक चीज में जो बहुत ज्यादा बड़ा concern था CA Foundation के लिए, किसी भी professional course के law के examination के लिए जो बहुत बड़ा concern था, कि बच्चे को concept समझ में आता है, उसको provision भी समझ में आ रहा है, उसको case study भी समझ में आ रही है, उसको ये भी पता है इसका answer क्या होगा, कलम नहीं चला पा रहा है, फ्रेम नहीं कर पा रहा है लॉ के आंसर्स को। ये बहुत बड़ा कंसर्न है पूरी सीए फ्रेटर्निटी या जो भी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है लिख नहीं पा रहा है स्टूडेंट। उसको एड्रेस करने के लिए हमने एक बैच निकाला था खास तौर पे मई 2022 के लिए, क्योंकि काफी बच्चे रिपीटर थे जो दिसंबर 21 में अनफॉर्चुनेटली क्रैक नहीं कर पाए थे। तो वो कैप्सूल बैच में मैंने कुछ इस तरीके चीजें बोली थी कि 10 दिन का मैं लाइव आपको राइटिंग प्रैक्टिस कराऊंगा, बट ये बैच इतना शानदार गया कि 10 दिन की जगह आज ये 20वां दिन था और अराउंड हम 1.5 से 2 घंटे रोज करें, 35 घंटे के कंटेंट ऑलरेडी रेडी है, रिकॉर्डेड मोड में अवेलेबल है, क्योंकि वो लाइव था, लाइव का रिकॉर्डेड मोड भी अवेलेबल है बैकअप में। इसके साथ कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, क्योंकि ये तो सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस था, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मेरे 44 आवर्स के ब्रह्मास्त्र लेक्चर थे। अब क्योंकि कुछ बच्चों का कहना था कि सर हमारे कंसेप्ट तो क्योंकि क्लियर है तो सर हमको ब्रह्मास्त्र एस सच नहीं लगेगा, जिसके नहीं है वो फिर भी उसको ले रहे हैं, सर हमको सिर्फ ये राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए। तो ये राइटिंग प्रैक्टिस इतनी शानदार चली है कि मैं क्या बताऊं, रिव्यू आपने देख लेना, इसके बाद मेरे बाद बच्चों का रिव्यू चलेगा जो इस बैच में इनरोल्ड हुए हुए हैं। कल हमारा इस बैच का लास्ट डे है लेकिन उनके रिव्यू बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग है। तो अगर आपको सिर्फ ये राइटिंग प्रैक्टिस का ये लेना है जो कि अराउंड 35 घंटे का कंटेंट ऑलरेडी है, कल की क्लास मिला के ये 37-38 आवर्स का हो जाएगा। इस बैच के अंदर, इस राइटिंग प्रैक्टिस के अंदर हमने कोई नोट्स रिफर नहीं किया है, सिर्फ कलम और अपना कागज, राइटिंग प्रैक्टिस कीवर्ड एक्सट्रैक्शन। आप रिव्यू देख लेना, आपको मजा आ जाएगा, बहुत शानदार लेक्चर है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लॉ के पेपर में, आप कलम नहीं चला पाते, राइटिंग प्रैक्टिस, कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करना, फ्रेम करना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप इससे खुद भी इसी वजह से अगर क्रैक नहीं कर पाए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो इसके अलावा मैं बताना चाहता हूं, कल मैंने अपना ब्रह्मास्त्र का 4th एडिशन लॉन्च किया है। अगर आपको नहीं पता वो क्या, मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूं, उसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, चाहे डिस्क्रिप्टिव हो चाहे प्रैक्टिकल। तो हमने इन्हीं सारी चीजों को ध्यान पे रखते हुए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला था सर हमको रिकॉर्डेड दे देना ये राइटिंग प्रैक्टिस, क्योंकि हमारे कंसेप्ट फिलहाल क्लियर है, राइटिंग प्रैक्टिस हमको लगेगा, तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि सीए फाउंडेशन का लॉ राइटिंग प्रैक्टिस कैप्सूल, जिसमें हमने सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस की है 34 आवर्स का अप्रोक्सीमेटली, अलॉन्ग विद माई ब्रह्मास्त्र 4th एडिशन जिसके बाहर से कुछ भी नहीं आता, ये आपको अवेलेबल रहेगा 2500 रुपीज में विथ ब्रह्मास्त्र का मोबाइल व्यू नोट्स, यानी कि लेक्चर्स मिलेंगे 35 आवर्स के जिसमें खतरनाक राइटिंग प्रैक्टिस हुई है। उसके अलावा आपको मोबाइल व्यू नोट्स में मेरा 4th एडिशन ब्रह्मास्त्र मिलेगा। अगर आपको ब्रह्मास्त्र हार्ड कॉपी में चाहिए तो 3500 रुपीज में आपको गूगल ड्राइव के लेक्चर्स राइटिंग प्रैक्टिस के, और ब्रह्मास्त्र आपके घर पे आएगा 8 से 10 दिन के अंदर आपके डोर स्टेप पे। ये लेक्चर्स एप्पल में भी अवेलेबल है, एंड्रॉइड में भी अवेलेबल है, विंडोज के लैपटॉप में भी अवेलेबल है। सर कैसे इनरोल कराना है, इनरोल कराने का बड़ा सिंपल प्रोसीजर है, आपको व्हाट्सअप करना है गिवन नंबर पे ये सारी डिटेल। रिव्यू आप देख लीजिए इस कैप्सूल बैच का, कितना शानदार रिव्यू है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, डोंट मिस दिस कैप्सूल बैच। अगर आपको राइटिंग प्रैक्टिस में प्रॉब्लम है, ये बैच आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड डू लाइक द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। जैसे कि मैं रिपीटर हूँ तो सर, जैसे मैंने कॉपी बुलाई है तो सर मेरे जो आंसर लिखे हैं आपको मैंने बताया था आंसर, और जो आपने लिखा है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। मैं क्या करता था, नोट्स लिख के आ जाता था। हम सब क्या करते हैं, नोट्स से पढ़ते हैं और हमको लगता है कि उसने पूछा है प्रोविजन, तो वो 4-5 लाइन का प्रोविजन लिख दो। और सर है ना, जैसे यूट्यूब पर भी डाला है कि कंक्लूजन 4 लाइन का 5 लाइन का लिख दो तो भी चल जाता है, पर यहाँ पे कहानी कुछ और ही है। तो पहली बात तो टेक्निकल वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना, हमको जो लगता है कि ये टेक्निकल वर्ड है पर कभी कभी वो नहीं होता है, कुछ और टेक्निकल वर्ड जो एक्स्ट्रा बुक में नहीं दिए हुए हैं।
कुछ भी बोलो, देखो के लिए लाइटिंग प्रैक्टिस थी, लेकिन आप कह रहे थे सिर्फ लाइटिंग प्रैक्टिस चलाएंगे, नहीं ये लाइटिंग प्रैक्टिस नहीं थी सर, इसमें कॉन्सेप्ट भी था सारे, सब प्रैक्टिस थी, क्योंकि मेन था सर कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट तो हर कोई समझ लेता है, लेकिन केस स्टडी जो आती है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आते हैं, उसमें वो वर्ड को क्लिक करना वो इम्पोर्टेंट मैटर करता है। मैं कितने ही बतेरे क्वेश्चन कर लूँ या आप कितने भी करा दो, अगर मुझे उस क्वेश्चन में पता ना चले, उसके अंदर से कीवर्ड्स ना पता चले, मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, कैसे प्रोविजन लिखूंगा। हाँ और सर बहुत अच्छा लगा, मैं तो दूसरों को ये कहूंगा कि देखो अगर तुम लॉ को एक प्यार एक लव करना चाहते हो ना, तो अर्जुन सर से सीखो लव करना। सर बहुत सारे कॉन्सेप्ट में क्लियर आया, जो हमें सेक्शंस भी याद नहीं होते थे ना, याद होने लगे हैं, आंसर्स को कैसे लिखना है, बहुत प्रॉब्लम होती थी कि कैसे आंसर्स लिखे, तो अब बिल्कुल क्लियर हो गया कि हाँ ऐसे की पॉइंट्स को हमको लेकर लिखने हैं ये सब। वो तो कीवर्ड तो सर आपके और आपके एग्जांपल्स होते ही इतने अच्छे कि एक ही बार में समझ में आ जाते हैं। अगर कोई रिपीटर है तो उनको राइटिंग प्रैक्टिस और कीवर्ड्स मेन कैसे हाईलाइट करने हैं उसके लिए बहुत हेल्पफुल हुआ सर आपका सेशन, और प्लस आदत भी बन गई सर आपके साथ, डेली 2 घंटे पढ़ाई करके सर सही में आदत भी बन गई है। मैं वैसे तो रिपीटर स्टूडेंट हूँ, मैंने दिसंबर का अटेम्प्ट दिया था, तो वैसे तो मेरे लॉ के अंदर 70 मार्क्स आए थे, लॉ के अंदर 60 मार्क्स का पेपर था, मेरे को मतलब ऐसे श्योर नहीं थी कि मेरे को 60 मार्क्स आ जाएंगे लॉ के अंदर, बट मैंने जैसे आपने सेक्शंस बताए थे, जैसा मतलब ऐसा ये कैसे लिखना होता है, क्या करना होता है, बहुत अच्छे से मैं लिख के आई थी, तो उस हिसाब से इतना मतलब ऐसे प्राउड फील हो रहा है ना, नहीं मतलब बैश लिया क्या भाई, मैं अभी जो रिपीटर स्टूडेंट हूँ उसके लिए जो मैंने 70 मार्क्स लाए, 60 मार्क्स मतलब ब्लॉक के अंदर भी लाए होंगे, बट बहुत मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अब मैं जो 70 लाई हूँ ना, मेरी मतलब यही है कि मैं मोस्ट प्रॉब्लम 80 मार्क्स ब्लॉक के अंदर ला सकती हूँ, मतलब बहुत अच्छे से ला सकती हूँ, क्योंकि इतनी ज्यादा तो हैंड राइटिंग प्रैक्टिस हो गई है मेरी, मेरे को तो फायदा ये हुआ कि भाई सारे सेक्शन जो मेरे को याद नहीं थे वो और ज्यादा अच्छे से याद हो गए मेरे को, मतलब बहुत ज्यादा कच्चे पक्के याद थे, मतलब ऐसे लग नहीं रहा था कि मैं सेक्शन मतलब एग्जाम टाइम पे यही हो रहा था कौन सा सेक्शन कहाँ पे लिखना है। लाइक मतलब कॉन्सेप्ट तो सभी टीचर्स क्लियर करा देते हैं, बट सर वो जो मेन मेन वर्ड जो होते हैं ना, जो वर्ड कभी आज तक सुने नहीं, वो वर्ड सर मेरे को इससे, मैं रिपीटर हूँ इसलिए मैं तो सर कुछ पता भी नहीं था, और कॉन्सेप्ट तो मतलब रास्ता चलना तो सबको ही बता देता है, बट कैसे चलना है सर ये आज मेरे को पता चल गया कि लॉ में अब किस तरीके से मेरे को लिखना है। पहले तो सर फैक्ट्स सभी में लिखते थे, तो फैक्ट्स में टाइम वेस्ट होता था, ये नहीं पता था कि कौन से क्वेश्चन में फैक्ट्स लिखना कौन से में नहीं लिखना, टाइम ये भी सर एक होता है टाइम बचाना ये होता है कि जिसमें जरूरत ना हो तो ना लिखो। मैं सर पहले करता सारे में फैक्ट्स वगैरह सारा डाल देता था, मतलब इतना लंबा 2 मार्क्स वाला भी क्वेश्चन बहुत लंबा चला गया और उसमें प्रोविजन बहुत छोटे से होते, ये एक टाइम का भी में पता चलने लगा मुझे, टाइम बचाना बहुत बड़ी बात है एग्जाम में। सर पहले तो यही बोलूंगा कि कॉन्सेप्ट तो सबको ही बताएंगे, बस कॉन्सेप्ट के साथ कैसे आंसर प्रेजेंट करना है तो वो अर्जुन छाबरा सर बताएंगे। सर आप पे बहुत बड़ा आरोप है सर, सर आपको ये टेस्ट December 21 में लेनी थी सर। हाँ सही बोला सर, सर ये 20 दिन अगर पहले हो जाते तो आज यहाँ पे बैठे नहीं होते, इंटर में आपसे ही पढ़ते अभी। और सर थैंक यू इसलिए कि भी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी थे, लेकिन जो कंफ्यूजन रहता है कि एक एक जो आप जो से तोड़ तोड़ के बताते हो जो एक एक लाइन को, वो मतलब कंसेप्ट 100 on 100 हो गया पहले से, सेक्शन वगैरह याद हो जाते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस अब मतलब खुद से भी करने लग गए, तो मतलब 100 on 100 है सर इस बार। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो सबसे पहले, राइटिंग प्रैक्टिस, स्पीड, और जो मतलब वो रहता है ना कि इससे बोलो सारे जाले साफ हो जाते हैं सर, वो बहुत शानदार है। बहुत अच्छा लगा, और सारे कीवर्ड पता चले, कंसेप्ट क्लियर हो गए, आपके एग्जाम्पल इतने अच्छे होते हैं ना, क्योंकि किसी भी सिंपल लैंग्वेज जितने होते हैं किसी को भी समझ आ जाता है बहुत अच्छे तरह से, ज्यादा टाइम लेते हैं पर सबके दिमाग में ठीक से आ जाता है, वैसे बेस्ट है ऐसा कहे तो आप लोग के किंग हो मेरे हिसाब से, और आप हो, मैं तो कहूँगी पढ़ना हो तो लॉ किंग से पढ़ना चाहिए। मैं इस तरह ने वो वीडियो पब्लिश किया कि कैप्सूल बैच लेने वाली है, उसी वक्त मैंने डिसाइड कर दिया था कि आप दे दीजिएगा। इट वाज द मोस्ट ऑथेंटिक वे टू लर्न लॉ। सर वर्ड्स नहीं है मेरे पास, लेकिन प्रवेश उससे क्या होता था, मैं कितने भी मार्क का लिखूं मेरा 1.5 से 2 पेज का आंसर मतलब कम्प्लीट ही नहीं होता था, 7 मार्क का भी हो तो उसकी वजह से मेरे को मार्क नहीं आते थे, पर अभी पूरा गेम ही पलट दिया है सर आप, मतलब वो पूरा थिंग 360 डिग्री शिफ्ट हो गया कि कैसा करना, वो सेंटेंस भी ड्राफ्ट किए तो कैसे करना। हाँ तो सर अब के तो लग रहा है कि सर एग्जामेशन तो पक्की है ही आपकी वजह से, नहीं सर एग्जामेशन तो आएगी ही सर इस बार। और सर पहली बात तो बता दो सर, वो सीए फाउंडेशन में जो फैकल्टी है ना सर, वो पता नहीं बहुत हाई प्राइस चार्ज कर रही है सर,
कोर्स इफेक्टिव नहीं है सर, एक तो हम जैसे ले नहीं पाते सर क्लासेस, और आपकी कोर्स इफेक्टिव ही है सर। सर आप बहुत मेहनत करते हो सर हमारे पीछे। हाँ सर, मैं तो जो जूनियर्स होंगे जब, तो सबको रिकमेंड करूंगा कि भाई अगर तुम्हें लेना है तो लो सर, अर्जुन सर से ही लो, यही सबसे बेस्ट है। मतलब जो डर रहे हैं ना बच्चे की, लो सर आपसे पढ़ना चाहिए उनको। जो डॉक्टर होता है ना कि दवाई देने वाला सर, वो है आप लोग। कैप्सूल वैसे ही सर लॉन्च करा, दवाई दे रहे हैं बच्चों को लो के डर की। फाउंडेशन है मुझे कि लॉ का मुझे क्यों पढ़ना था, तो मैं लॉ से कहां से पढ़ूं मुझे ये समझ नहीं आ रहा था, और कोई मतलब नहीं कमांडेड था नहीं कि कोई बता सके मुझे। तो हुआ ये कि मैंने आपको लॉ का लेक्चर आपको देखा पूरे फर्स्ट ट्रैक फास्ट ट्रैक से, आपके यूट्यूब से मैंने पूरे लेक्चर कवर किए थे, और जो आपने नोट शेयर किए हुए हैं डिटो नोट मैंने बनाया हुआ सर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए और राइटिंग प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो गई, कीवर्ड्स और राइटिंग प्रैक्टिस। पहले मैं अपनी लैंग्वेज में ही लिख लेती थी, सिंपल लैंग्वेज में, और टेक्निकल लैंग्वेज नहीं यूज करती थी। मेरे को कंफ्यूजन होती थी कि दो कॉन्सेप्ट लगते हैं तो उसमें ये पता कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। ये क्लियरिटी मेरे को अब ये लेने के बाद मेरे को पता चलता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा कौन सा नहीं लगेगा। मैं तो यही बोलूंगा अगर लॉ पढ़नी है तो अर्जुन छापरा सर से पढ़नी है, नहीं तो पढ़ना मत किसी से। हमको तो अब लॉ में टेंशन ही नहीं है सर, हम राइटिंग हो गया है सर। अब क्लास खत्म होने के बाद यूनिट बाय यूनिट सारे क्वेश्चन और जो टेक्निकल वर्ड जो आप बताए हैं वो सब का यूज करते करते प्रैक्टिस करूंगा, नंबर तो आना ही है सर। मजा तो हो रहा है सर, कैप्सूल वेट में कल एक छोटी सी सर दिल में गम है, परसों तो हम मिलेंगे ही नहीं, लाइव खत्म। अरे सर अभी हमें भी वो सन्नाटा लगेगा सर इस टाइम पे। सर आपका सबसे बड़ा पॉइंट है सर पर्सनल टच, आपके साथ पढ़ते हुए अपनेपन का एहसास लगता है सर, बड़ी चीज है सर। बाकी और सर ज्यादा वो जो अपनेपन का एहसास लगता है सर, आप अपने में से लगते हो कि ऐसे ही अपने जैसे प्यार दोस्त है वैसे ही लगते हो, इसलिए वो पढ़ने में और ज्यादा मजा आता है सर, पर्सनल टच है सर आपके साथ।